हेलो स्टूडेंट्स मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी में जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास सेवन टू ट्वेल्थ मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री सरल रेखा में गति को जो हमने देखा है कि अगर एक सरल रेखा में गति हो रही है इसका मतलब यह होता है कि एक सिंगल डायरेक्शन में गति हो रही है और सिंगल डायरेक्शन में अगर कोई गति हो रही होती है तो उसमें हमें कुछ बातें मिलती हैं जैसे कि मुझे गति करते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी मिल जाती है अगर वो सिर्फ एक ही दिशा में तय कर रहा है तो विस्थापन कह लेते हैं उसको और विस्थापन को अगर समय से कंपेयर कर दे तो हम उसको वेग कह लेते हैं सिमिलरली दूरी को कंपेयर करके हम उसको कहते हैं भाई क्या चाल अब अगर मैंने वेग को समय से कंपेयर कर दिया तो मुझे मिल जाता है त्वरण फिर हमने देखा एक समान त्वरण असमान त्वरण ठीक है फिर हमने इसके अंदर में डिस्कस किया कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं चल रहा है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मतलब हमने समय स्थिति ग्राफ देखी वेग समय ग्राफ को देखा उसमें देखा कि कांस्टेंट एसिलरेशन क्या होता है भाई वैरी करता हुआ मतलब चेंज होता हुआ एसिलरेशन क्या है एक समान वेग क्या है इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि भाई ये वेग समय वेग समय विस्थापन त्वरण और वेग के ये दोनों ही पार्ट कौन कौन से प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग इनके बीच में संबंध कैसा है तो इन्हीं के संबंध को हमने ग्राफिकल मैथड से भी देखा हुआ है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका कैलकुलस मैथड उसका जो कलन विधि है इंटीग्रल मैथड जो है उसके जरिए हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी जो डेरिवेशन है वो कैसे बनेगी मतलब इनको व्युत्पन्न करना है डेराइव करना इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने उसको डायमेंशन फॉर्मुला में डायमेंशनली उसको करेक्ट या इनकरेक्ट है उसको हमने वेरीफाई किया था तो हमने पाया था सभी करेक्ट है अब हम उसको डेराइव करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई बने कहां से किस विधि से करेंगे भाई? कलन विधि से तो यह बहुत ही सा सेशन होने वाला है भाई क्योंकि कलन विधि मतलब जो इंटीग्रल मेथड है क्योंकि इंटीग्रेशन नाम जो है क्लास इलेवेंथ में आपके सामने आ चुका है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली ट्वेल्थ क्लास में आएगा भाई और बायोलॉजी वालों के लिए तो भैया अभी आना ही नहीं है तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर आप सीख जाएंगे वो इंटीग्रेशन भी कि इंटीग्रेशन करते कैसे क्या इंटीग्रेशन करने से हमको मिलता है ठीक है तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं भाई कि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है तो सबसे पहले मैं उन्हीं की बात कर लेता हूं किसकी वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्यों क्योंकि उसी पर ये चलने वाला है क्योंकि यहां जो कैलकुलस मैथ लिखा हुआ है कैलकुलस मैथड है क्या तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कैलकुलस मैथड से किसकी तो एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरण की जो कि मुझे पता है फर्स्ट इक्वेशन वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा सिंपली कहना चाहता हूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट जो इनिशियली ये एक वस्तु है एक जो कि इनिशियली u मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है कब जब टाइम जीरो सेकंड है लेकिन कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है कब t सेकंड पर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और बढ़ के कितनी हो गई तो बढ़ के हो गई इसकी वेलोसिटी भाई अब ये चल रहा है v मीटर प्रति सेकंड की चाल से की वेलोसिटी से और अगर इसको टी सेकंड में देखें तो इसने यहां से यहां तक में एक दूरी तय की है जिसको हम विस्थापन कह सकते हैं जिसको एस कह सकते हैं। मतलब क्या, क्या क्या बातें समझ में आई भाई तो यहां पर यू जो है यह है प्रारंभिक वेग। यू क्या है भाई यू है हमारा प्रारंभिक वेग वी जो है यह क्या है हमारा तो यह हमारा अंतिम वेख एस जो है यह है विस्थापन टी जो है यह हमारा समय ठीक है इनके बीच में मुझे रिलेशनशिप फाइंड करें और एक चीज मिलती है ए त्वरण ए क्या है भाई त्वरण त्वरण क्या होता है भाई तो ये होता है वेग परिवर्तन की दर क्या होता है ये वेग परिवर्तन की दर मतलब ए अगर निकालना है तो ये होता है वी माइनस यू अपॉन टी वेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब यही होगा ना भाई कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग में समय भाई कोई पिंड है किसी एक कि इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है थोड़ी देर के बाद देखा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो गई चेंज कितना आया तो फाइनल माइनस इनिशियल अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा में समय ठीक चलिए तो अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर जितने भी इक्वेशन लिखे हैं और लिखी ये इन्हीं सभी के बीच में रिलेशनशिप है प्रारंभिक वेग अंतिम वेग विस्थापन समय और त्वरण के बीच में अच्छा तो तीन तीन समीकरण क्यों दे दिए भाई एक से भी तो काम चल सकता था तीन इसलिए दिए क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो है एस गायब है मतलब इसमें विस्थापन की कोई जगह नहीं है सेकेंड इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है और थर्ड इक्वेशन को देखिए तो इसमें टाइम नहीं है अर्थात मैं अगर आपसे कहूं कि वेग बराबर होता है भाई विस्थापन बटा समय तो इसमें से कोई दो मान दिया जाए और एक ना दिया जाए जैसे इक्वल्स टू क्या हो गया भाई तो ये हो गया एस अपॉन टी अब इसमें से मैं एस निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा वी इंटू टी अगर यहीं से मैं निकालना चाहता हूं टी तो क्या हो जाएगा भाई तो एस अपॉन वी ये तीनों मान निकाले जा सकते हैं जब तो आसान है ना इन सभी चीजों के लिए तीनों को तीन इक्वेशन कन्वर्ट करना क्यों तीन इक्वेशन क्योंकि दो गिवन होंगे तीसरे की जरूरत ही नहीं निकल जाता है तो ये इक्वेशन में यही काम किया इनको रिप्लेस कर दिया इसमें वी को रिप्लेस करेंगे इसमें टी को रिप्लेस करके ये वैल्यूज बनाई ठीक आइए देखिए कुछ और बातें तो भाई बहुत सारी बुक्स में आपको ये जो यू है ये जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपको देखने मिल जाएगा कि इसको कहते हैं वी नॉट इसको कह लेते वी v और यहां पे जीरो लिख देते हैं इसका मतलब होता है वी नॉट पढ़ते हैं उसको इसका मतलब है प्रारंभिक वेग कौन सा वेग भाई जब टाइम इक्वल टू जीरो पर है वेग वो वाला वेग और इस विस्थापन को बहुत सारी जगहों पे क्या देखने को मिलेगा x क्या लिखते हैं इसको x लिखते हैं किसको भैया विस्थापन टाइम तो टी है ही एसिलेशन को भी ए से ही मिलेगा लेकिन यहां पर यह दो चीजें थी वी नॉट कहीं लिखा हुआ आपको मिल रहा है मतलब यू है v है, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी है और x मिल रहा मतलब वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई है तो मैं थोड़ी सी और बात करके आऊं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई ये इंटीग्रेशन और ये जो डिफरेंशिएशन है ये क्या होता है थोड़ा सा देख करके आते हैं फिर हम यहां पर शुरू हो जाएंगे सबसे पहले देख लेते हैं हमारे इंटीग्रेशन को तो इंटीग्रेशन कैसा भैया होता है इंटीग्रेशन का सिंबल यहां पर होता है जो भी फंक्शन है मतलब जिस भी वेरिएबल में लिख रहे हैं और यहां पर डी ऑफ एक्स मतलब अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहां पर क्या आएगा डी ऑफ एक्स अगर ये फंक्शन ऑफ टी होता तो यहां पर क्या लिखते हैं एफ ऑफ टी मतलब बदलाव लिखता किस में है टी में यहां पर किस में जोड़ना है एक्स में जोड़ना क्यों करो क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एडिशन जोड़ेंगे भाई तो इसमें अगर ये अगर एक फंक्शन दिया एक्स टू दी पावर एन डी एक्स तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो ये कहते हैं कि पावर को एक से बढ़ा के विभाजित कर दीजिए एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ठीक है सिंपल है भाई अब इसी तरीके से यहां पर अगर कोई लिमिट दियो यहां पर वैसे एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी लेते हैं, अगर मान लीजिए कहीं लिमिट दियो मतलब मुझे कहा गया हो एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन निकालना तो ये क्या कहते हैं भाई पावर एक से बढ़ाइए तो एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन यही तो कह रहे हैं ना एम प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री और अगर यहां पर लिमिट दे दी गई हो कि मान लीजिए एक जीरो और अपर लिमिट हो गई टू तो यहां पर क्या लिखते चलेंगे जीरो से टू ये जीरो से टू और फॉर्म कहता है भाई कि ये होता है लिमिट कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट को रखेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा टू की पावर थ्री माइनस जीरो की पावर थ्री अपॉन में थ्री करके देख लीजिए टू के पावर थ्री मतलब टू टू जा फोर टू 8 एट अपॉन थ्री इसका फाइनल आंसर हो जाता है इसी प्रकार होता है डिफ्रेंसिएशन ये क्या है भाई इंटीग्रेशन ठीक है ना ये क्या है इंटीग्रेशन समाकलन और एक इसी का भाई है कौन अवकलन अवकलन की अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन कुछ जस्ट इसका उल्टा काम होता है जैसे अगर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है तो नीचे ये लिखा है डी उदाहरण के लिए हमारे पास एक नंबर मिल गया वो है भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन अपॉन डी एक्स यहां जो नंबर लिखा उसी में बदलाव करेंगे अवकलन का मतलब था सैंपलिंग करना एक बहुत बड़ी वैल्यू उसमें से एक छोटा सा सैंपल निकाल रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई तो ये कहते हैं कि पावर को नीचे उतारिए और एक से माइनस कर दीजिए इनने क्या कहा था कि पावर को एक से बढ़ा के भाग दीजिए इन्होंने कहा कि पावर का गुणा कीजिए और एक से माइनस कर दीजिए चलिए तो डीएक्स की पावर डी एक्स की पावर मैं लिख लेता तो हूं मान लीजिए टू अपॉन डी एक्स तो आंसर विल बी टू एक्स की पावर टू माइनस वन दट इज टू एक्स खत्म ठीक है समझ में आया ये डिफ़रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने का तरीका है ना ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को बस ध्यान में रखेंगे जिसके जरिए अभी हम सॉल्व करने वाले ये जो फॉर्म है एक्स टू दावर एन डी एक्स इतने से हमारा काम हो जाएगा ठीक है आइए चलिए तो हम करते हैं बात हमें निकालना है सबसे फर्स्ट इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या भाई तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर दिख रहा है कौन है तो इसमें जो बड़ा फैक्टर है सिलेशन उसके लिए मैं लिखना शुरू करता हूं तो मैं पता है भाई सबसे पहले तो मैं लिखूंगा क्या इसके लिए त्वर माना करके ये पूरी चीज इसके बाद यहां पर शुरू करूंगा त्वरण है ना एक्सिलेशन ये क्या होता है भाई तो ये होता है डीवी अपॉन डी ठीक है ये क्या होता है डीवी अपॉन डी कैसे होता है तो चलिए एक स्टेप पीछे चले एक माइनस टी त्वरण बराबर क्या होता है भाई तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल अंतराल तो वेग में परिवर्तन को कैसे लिखूंगा मैं तो मैं लिखूंगा v माइनस यू अपॉन में ये समय अंतराल का मतलब क्या हो जाएगा तो समय अंतराल का मतलब होता है भाई हमारा एक काम करता हूं मैं इसको लिख लेता हूं ऐसा v2 टू माइनस वी वन वेलोसिटी माइनस इनिशियल समय अंतराल को लिख लेता हूं t2 टू माइनस टी वन ये है मेरा फाइनली अगर मुझे लिखना होगा इसी टर्म को तो मैं इसको लिखता हूं लिमिट डेल टी टेंडिंग्स टू तो अस जीरो, जीरोन मे डेल्टी ये मुझे वहां से याद है कि भाई हमने किया था ताक्षणिक ताक्षणिक त्वरण एक छोटे से समय पर त्वरण तो छोटे से समय पर त्वरण कितना होगा डेल्टी और इस टी की वैल्यू कितनी हो होनी चाहिए लगभग जीरो के करीब जीरो नहीं जीरो के करीब यह समय अंतराल जितना छोटा होगा यह विलोसिटी उतनीट करे, उतनी करेक्ट, करेक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे

मुझे यहां पे तिरियक गुणा करने पर क्या मिल जाएगा तो मुझे मिल जाएगा dv इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ डी टी इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा dv इक्वल्स टू ए टाइम ऑफ डी टी जैसे ही आपको दोनों तरफ ये ऐसी टर्म दिखने लगती है डी टाइम्स ऑफ एक फंक्शन और डी टाइम्स ऑफ दूसरा फंक्शन ये देखिए कुछ ऐसा दिखने लग गया तो ऐसे में हमको क्या करना होता है डीवी मतलब एक छोटी सी ये देखिए ना डेल भी लिखा है ना एक छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी एक छोटा सा वेग में परिवर्तन बराबर एक छोटा सा समय अंतराल मुझे कुल चाहिए कुल वेग में परिवर्तन अब कुल समय अंतराल तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर मुझे टोटल निकालना है मुझे कुल निकालना है तो मुझे करना होगा दोनों तरफ दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या करें समाकलन करने पर दोनों तरफ मैं जब समाकलन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा डी वी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ डी टी अब ये कहां से कहां तक तो मैं कह रहा हूं शुरुआत में जीरो सेकेंड और फाइनली टी सेकेंड तक शुरुआत में जीरो फाइनली टी सेकेंड और ये कहां से तो जब शुरुआत का वेग कहूंगा जीरो सेकेंड पे वेग कितना होगा यू और फाइनल वेग कितना होगा तो वी अब इसका इंटीग्रेशन की बात करें तब इसके इंटीग्रेशन में थोड़ी सी मेहनत आ जाएगी हम चलते हैं थोड़ी सी इंटीग्रेशन की बात करके आते हैं तो देखिए ये जो हमने फॉर्म बनाया था यहां पे जो हमने ये लिखा हुआ है dv इसका जब इंटीग्रेशन करना होता है और यहां पर कोई टर्म नहीं है तो यहां पे कोई टर्म नहीं है मतलब यहां पे फंक्शन नहीं है मैंने क्या बोला था आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ x डी ऑफ एक्स अब यहां पर v है तो मैं इसको वी वी लिख लेता हूं फंक्शन ऑफ v dv ये लिखना होगा तभी तो इंटीग्रेशन करूंगा किसमें बदलाव करना इस डीवी में यहां दिख रहा है क्या नहीं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या वन इंटू डी आई थिंक अग्री करते होंगे आप एक का गुणा कहीं भी कर सकते हूं। क्या? इसी बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटीग्रेशन एक की जगह पर वी की पावर जीरो इंटू डी बी मुझे कहां से ख्याल आया तो मुझे एक और बात पता है कि v की पावर जीरो मतलब वन एनी थिंग टू दी पावर जीरो इज वन किसी के भी पावर में जीरो का मतलब होता है एक और मैं एक का गुणा इसमें कर सकता हूं तो मैं वी का ही गुणा क्यों करूं एक्स का क्यों नहीं करूं तो मैं v का वी का इसलिए करूंगा क्योंकि पावर को एक से बढ़ा दीजिए जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन सी फॉर्मूला क्या कहता फॉर्मूला कहता है एक्स टू दावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन पावर को एक से बढ़ाकर डिवाइड कर दीजिए तो मैंने यहां पर क्या किया पावर को एक से बढ़ाया तो, मतलब तो इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाता भाई चलिए तो आता हूं मैं यहां पर यहां मुझे क्या मिलेगा यहां पर कुछ भी नहीं दिया यहां पर मुझे कुछ भी नहीं दिया तो क्या मिलेगा यहां पर मुझे मिल जाएगा वी कहां से कहां तक यू से वी तक जब यहां पर फंक्शन नहीं गिवन है तो क्या मिला भाई वी यू से वी तक यहां पर भी सिमिलरली क्या हो जाएगा ए तो कॉन्स्टेंट है ए में कोई परिवर्तन नहीं है किस में परिवर्तन मिलना मुझे टी में तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा भाई यहां मुझे मिल जाएगा इंटू टी लिमिट जीरो से टी इसके लिए भी मैं थोड़ी सी बात करके ही आऊं जब इंटीग्रेशन ऑफ आपने देखा यहां पर ए टी की बात करी डी टी तो ये अगली लाइन क्या हो जाएगी ए बाहर आ जाएगा अंदर बचेगा टी टू डी टी बदलाव किसमें करना है टी में ए में नहीं तो जब टी में बदलाव करना है तो ए टी की पावर कितना हो जाएगा तो टी की पावर वन प्लस वन प्लस वन ये तो है। पावर को एक से बड़ा के डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो गया ए टी की पावर टू अपॉन टू ए टी की पावर टू अपॉन टू तो फाइनली मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन गया ये बन गया टी की पावर टू थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं भाई चलिए ए टी की पावर टू अपॉन में ये क्या हो गया टू। अब इसमें क्या लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाइए तो वी माइनस यू अपर लिमिट वी माइनस यू इज इक्वल टू यह क्या है वन अपॉन टू को बाहर रख लीजिए ठीक है क्या बन जाएगा भाई ए सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड देंगे यहां पर मुझे यहां पर जो मुझे टर्म था यहां पर मुझे टर्म मिला था भाई यहां है ना इंटीग्रेशन किसका लेना था मुझे यहां पर इंटीग्रेशन लेना था A, D, T का अगर टी होता तो ये बनता लेकिन मेरे पास जो है वो क्या है ए डी टी है यहां पर क्या फिर से भाई टी नहीं है तो टी नहीं है तो ए को बाहर कीजिए अंदर बना लीजिए जब अंदर डी टी बना लेंगे तो डी टी का क्या मिल जाएगा टी क्यों भाई क्योंकि यहां पर मैंने क्या बताया कि जब कुछ भी नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं जब यहां पर टर्म नहीं है तो वन इंटू डी टी वन इंटू डी टी जब कर रहा हूं तो वन की जगह क्या लिखूंगा टी की पावर जीरो इंटू डी टी की पावर जीरो मतलब क्या की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन मतलब ए इंटू टी तो मतलब वापस आता हूं मैं यहां पर है ना यहां पर क्या लिखूंगा मैं ए ही रह गया डीटी के का अंदर ही अंदर क्या बन गया टी जीरो से टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट रखेंगे तो टी मिलेगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो तो ये क्या मिल गया ए टी माइनस जीरो फाइनली मुझे क्या कैलकुलेशन मिला इसके बाद मुझे इसके बाद कैलकुलेशन मिल गया वी माइनस यू ए टी इज इक्वल टू ए टी अब उसको उधर भेज दीजिए तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या मिल गया वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूं ताकि और आपको अच्छे से दिख जाए चलिए तो ये टर्म्स अब कर देता हूं मैं गायब तो फाइनली मुझे क्या वैल्यूज मिल गई भाई मुझे फाइनली फर्स्ट इक्वेशन डेराइव होकर मिल गई क्या फर्स्ट इक्वेशन वी माइनस यू इक्वल टू मतलब v इक्वल्स टू यू प्लस यही था v इक्वल टू यू प्लस ठीक है ना कैसे निकला तो ये निकला हमने निकलाशन लिखा जो होता है फाइनल मतलब रिजल्ट प्राप्त कर लिया आगे बढ़ते हम अपने सेकेंड इक्वेशन की तरफ और सेकेंड इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए भाई सेकेंड इक्वेशन में भी सेकेंड इक्वेशन में भी ये जो बातें हैं वो तो सेम रह जाएंगी कौन सी भाई ये सेम चीज है सेकेंड इक्वेशन में भी वही विकल है जो कि इनिशियली यू से चल रहा और फाइनली कैसे चलने लग गया भाई V से चलने लग गया एस डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम लगा T इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई तो यहां पर मुझे निकालना है क्या S क्या निकालना मुझे मुझे यहां पर चाहिए विस्थापन तो विस्थापन अगर मुझे निकालना है तो विस्थापन निकालने के लिए मुझे क्या लिखना होगा किसके फॉर्मूले में विस्थापन आएगा तो मैं कहता हूं वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय इसी फॉर्म को अगर मैं यूज करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई जो वेग होता है जो वी होता है ये क्या होता है तो ये होता है मेरा विस्थापन मतलब डीएस अपॉन dt क्या होता है डीएस अपॉन dt अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा डी एस इज इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ वी टाइम्स ऑफ डी टी अब एक बात जिसकी हमने डिस्कशन की थी कि इसमें वी तो होता ही नहीं है भाई सेकेंड इक्वेशन में कहा होता है वी नहीं होता तो क्या करो प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण से कहता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आइए चलिए रख दू तो ds इज इक्वल टू क्या मिल गया इस वी की जगह पे U प्लस ए टी और बाहर चल रहा है भैया dt टी ये डी टी जैसे नॉर्मली गुणा होता है वैसे ही गुणा हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ये ds इज इक्वल्स टू यू टाइम्स ऑफ डी टी प्लस ए टी टाइम्स ऑफ डी टी अब जैसे ही मैंने बोला दोनों तरफ आपको डी टी डी एस ऐसा दिखने लगे तो क्या लेना होता है समाकलन ठीक है तो यहां से लिखते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर तो दोनों तरफ अगर मैंने समाकलन किया तो क्या मिलेगा भाई तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे क्या दिख रहा है भाई ए टी इंटू डी टी ठीक अब अगर मैं इंटीग्रेट करूं इनको तो मुझे

एस इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा जब यहां कुछ भी नहीं दिया है जब कुछ भी नहीं दिया है ए टाइम्स ऑफ डी टी मतलब सिंपली अगर इस ए को भी मैं अभी के लिए हटा दूं है ना? इस ए की जगह पे क्या चला? u यू टाइम्स ऑफ डी टी तो यू को बाहर कर दीजिए यू 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 ut यू को बाहर कर दिया क्या बना यू टी तो मतलब ये यू टाइम्स ऑफ डी टी मतलब यू तो एज इट इज डी टी का इंटीग्रेशन आ गया टी प्लस ए को बाहर ही रखिए अंदर क्या बचेगा टी के लिए तो हमने अभी टी के लिए क्या किया था तो टी के लिए जब किया था तो टी वन प्लस वन टी वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन मतलब मैं दोबारा यहां पे कर लूं तो यहां पर टी का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर स्क्वा से बढ़ा के डिवाइड तो टी की पावर एक है एक बढ़ाएंगे तो टी की पावर दो हो जाएगा अपॉन में दो तो एस इक्वल टू क्या मिल गया भाई यू टी प्लस ये वन अपॉन टू को कर देता हूं मैं बाहर तो ये अंदर क्या बच गया ए टी स्क्वायर कितना आसान था देखिए कैलकुलस मैथड से ये कितना ही आसान है बहुत आसान है ग्राफिकल मैथड से भी इजी दिखने लग गया ठीक है चलिए तो आई होप कि आपको ये सेकेंड इक्वेशन भी समझ में आई है इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये जो पार्ट है यहां पर आपको दिख रहा है ये दोनों तो ये डी का दोनों के साथ में मैंने क्या किया मल्टीप्लाई दोनों के साथ में ओपन करने के बाद इंटीग्रेशन टर्म लगा है और इंटीग्रेशन में मुझे पता चल चुका है कि जब फंक्शन नहीं होता तो वही सेल्फ हो जाता है डी है तो क्या बन जाएगा टी जो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट कैसे डिसाइड तो यहां पर बात किसकी हो रही है टी की बदलाव सिर्फ T में तो यू तो टीम ही है ना यहां बदलाव सिर्फ टी में तो A constant है. A को बाहर कर दिया था चलिए आई होप कि आपको यह बात समझ में आई है हम बढ़ते हैं अपने अगले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ थर्ड इक्वेशन में भी मैं अगर बात करता हूं तो देखिए भाई यह तो सेम ही चलने वाला है कौन सी चीज जो मुझे दिख रहा है वेग ये मेरा सेम चलने वाला है इसमें कोई परिवर्तन मुझे देखने को नहीं मिलने वाला ये जो मैंने लेट बी करके ये जो रखा हुआ है ये भी सेम चलने वाला है कि भैया इसमें क्या होगा यू मीटर पर सेकेंड से चल जो टी सेकंड के बाद वी मीटर पर सेकेंड से चलने लगेगी और इसके बीच में जो ये दिख रहा है दूरी एस दूरी तय कर जाएगी तो इसके लिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय मतलब जो अभी हमने लिखा था वी इक्वल्स टू होता है भाई वो होता है ds अपॉन डी टी ठीक है क्या होता है भाई v इक्वल्स टू डीएस अपॉन डी टी और भाई यहां पे जब हम त्वरण की, की बात करते हैं एसिलरेशन की है ना त्वरण हमारा जब एसिलरेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है भाई ये होता है dv अपॉन डी टी तो इस इक्वेशन में एक छोटी सी चीज देखेंगे वो कुछ इस प्रकार की होगी कि, कि कुछ चेंजेस करेंगे तो एक काम करते हुए यह अभी के लिए बस याद में रखिए हम शुरू करते हैं इसको कहां से भाई ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी से तो देखिए हम शुरू करते हैं इस थर्ड इक्वेशन को तो भाई त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है डीवी अपॉन डी अब a टू डी अपॉन डी में मैंने एक छोटा सा काम किया मैं करता हूं डीएस अपॉन डी का गुणा और भाग अब भाई सेम चीज से गुणा और सेम चीज से भाग दे दिया तो ये कैंसिल आउट होके वन ही तो बचेगा ना ये दोनों कैंसिल हो जाएगा वन बचेगा वन का गुणा तो कर ही सकता हूं लेकिन ऐसे कुछ पर्पज सॉल्व क्या बन रहे हैं भाई तो देखिए पहला तो ये बन जाता है डीएस अपॉन डी टी ये डीएस अपॉन डी टी और ये क्या बन जाएगा डीवी अपॉन डीएस सिंपल अब क्या हो सकता है तो अभी जो मैंने अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि डीएस अपॉन डी टी ये क्या होता है ds अपॉन dt ये क्या होता है भाई तो ये होता है velocity. तो यहां मुझे मिल जाता है ए to टू यह हो जाएगा क्या तो ये ds अपॉन dt की जगह पे मैं रख देता हूं v इन टू डी वी अपॉन अब क्या करना होगा भाई तो अब सिंपली हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या मिल जाएगा ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी ठीक है अब यहां पे हम ए और वी के लिए काम करते हैं दोनों तरफ क्या ले लेंगे भाई जैसे ये दिखने लगता है मैं दोनों तरफ लिखता हूं क्या इंटीग्रेशन तो यहां पर मैं लिख देता हूं दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो लगाएं भाई समाकलन का चिन्ह और शुरू हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ इधर क्या हो जाएगा ए डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहां क्या होगा वी डी वी तो वी डी वी अब कहां से कहां तक करना तो इसकी तो इसकी लिमिट डिसाइड कर रहे हैं भैया इसको मैं कह देता हूं कि शुरुआत में जीरो और फाइनली वो एस तक चल गया इसको मैं कहता हूं शुरुआत में जो प्रारंभिक वेग है वो यू है और जो इसका अंतिम वेग है वो वी है अब इंटीग्रेशन अगर शुरू करूं तो ये ए बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचेगा डी एस एस और यहां पर उसी तरीके से वी बाहर आ गया यू टू वी डी वी सॉरी सॉरी वी बाहर नहीं कर सकते भाई वी का ही तो इंटीग्रेशन करना है तो मैं यहां इंटीग्रेशन कर देता हूं वी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा पावर एक से बढ़कर डिवाइड हो जाती है तो वी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन यू से v फाइनली ये क्या मिल जाएगा यहां से तो ए यहां पर डीएस है एस का कोई टर्म नहीं है ना तो इंटीग्रेशन कितना जाएगा ये देखिए कितना बन गया भाई भाई तो v square upon two, limit U, upper limit v, और हमारा फॉर्म कहता है है क्या होता है? Upper limit minus limit के देखते हैं तो ए एस इज इक्वल टू अपर लिमिट रखिए तो क्या मिल जाएगा भाई वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर में टू इस v की जगह पे इन दोनों को रखना है एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट कितना है वी तो v का स्क्वायर लोअर लिमिट कितना u तो v की जगह u रख दीजिए तो यू स्क्र फाइनली तीर गुणा कर दूंगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये आगे थर्ड इक्वेशन भी मतलब कैलकुलस मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया हमने तीनों इक्वेश को डेराइव कर लिया सीख लिया कि यह किस तरीके से बनकर क्या रहे ठीक है यहां पे इस डेरिवेशन में एक मात्र जो ट्विस्ट था वो ये वाली बात थी ये अगर दिमाग में रह जाएगी तो ये पूरा याद रह जाएगा और सिंपल है भाई तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने देखा सीखा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आसान थे हमने उसको डेराइव किया आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए और भाई इस तरीके से पूरा होता है हमारा ये तीनों इक्वेशन ऑफ मैथड कौन सा भाई कलन मैथड से इंटीग्रल मैथड से कैलकुलस से ठीक है तो बाकी कोर्स कंटेंट के, के लिए क्या करते हैं भाई तो आप लिखते हैं अपने सर्च बॉक्स में मार्गनेट कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई क्योंकि यही है इंडिया नंबर वन हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने कोर्सेस जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड झारखंड बोर्ड दिल्ली बोर्ड किसी भी बोर्ड से हो एनसीईआरटी -E ही आपकी कोर सब्जेक्ट्स हैं ठीक है उसी प्रकार अगर आप ओलंपियाड आईआईटी एन नीट सीआईआईबी जेएआईआईबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं आप बस टैप कीजिए उसके ऊपर आपके सभी क्लासेस ओपन हो जाती हैं आप अपने क्लास को टाइप कीजिए आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं आप अपने सब्जेक्ट पर जाइए नाउ पे क्लिक कीजिए कुछ इस प्रकार से आपके पूरे चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं जहां पर एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट वीडियो वन शॉट रिविजन वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है जैसे ही आप इसको टैप करते हैं आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं स्क्रीन ले सकते हैं नोट्स बना सकते हैं भाई और सबसे अच्छी बात यही से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई क्योंकि मैग्नेट ब्रेंस हिंदी लेकर क्या आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास सेवन टू ट्वेल्थ क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ तो बने रहिए हमारे साथ हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में थैंक्स फॉर वॉचिंग